चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ रेगुलर मिलेगी। जहाँ तक सोयाबीन की कटाई नहीं हो जाए वहाँ तक आपको सोयाबीन की जानकारियाँ लगातार मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर किसी की कोई समस्या है तो वो कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं आप। और मैं और मेरे जो मालवा क्षेत्र के किसान हैं वो आपके समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर लगातार मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। पूर्व कृषि विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी निकाली जिसका नाम है GS 2172। 33 इसके ट्रायल रहे, 2-3 साल ये ट्रायल में चली, किसानों के बीच अच्छी खासी पॉपुलर हो रही है, बहुत तेज़ गति से ये किसानों के बीच में ये वैरायटी पहुंच रही है। इस साल काफ़ी बड़े रकबे में GS 2172 सोयाबीन को लगाया गया है। किसानों के बीच में इस वैरायटी के प्रचलित होने का कारण है दोस्तों इसका मजबूत जड़ तंत्र। इसकी जड़ काफ़ी लंबी होती है, पौधे अच्छे खासे फैलाव करते हैं, इसमें अच्छी खासी ब्रांचें आती है, फलियां अच्छी खासी आती है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हाई है, इसका जनरेटिंग पावर बहुत हाई है, जिसकी वजह से इसमें रोग ज़्यादा अधिक मात्रा में रोग नहीं आते हैं, पीला मोजक जैसी कोई समस्या इसमें है नहीं है। उसके अलावा इसकी जो बीज है, इसका जो बीज है वो बड़ा है, इसका जो दाना है वो बोल्ड है, अपने GS 2162 जैसा बोल्ड दाना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, और इसमें उत्पादन देने की क्षमता काफ़ी हाई है। अगर बहुत अच्छी तरीके से अगर इसकी खेती की जाए दोस्तों तो 15 कुंटल एकड़ तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं, काफ़ी हाई इसकी उत्पादन देने की क्षमता है। यह वैरायटी एक मध्यम अवधि वैरायटी है दोस्तों, जो कि 95 से 100 दिन के बीच में आ जाती है, 95 से 100 दिन के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसकी कटाई हो जाती है। 90% क्षेत्रों में बिजाइयाँ हो चुकी है, हमारे किसान भाई GS 2172 सोयाबीन लगा चुके। हम GS 2172 सोयाबीन के बारे में पहले सचेत कर चुके थे कि आपको बीज दर कितनी रखना है, उसके बाद अगर आप ज़्यादा बीज दर करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। बाकी हमने काफ़ी पहले सचेत कर दिया था कि आपको बीज दर कितनी रखना है। तो दोस्तों इसकी जो सबसे उपयुक्त बीज दर है वो है बीघा की 12 से 15 किलो, जो कि अपना 80 कड़ी का जो बीघा होता है, 20 बसुआ का जो बीघा होता है उसमें 12 से 15 किलो, और जो 25 आरे का या 25 बसुए का या और 100 कड़ी का बीघा होता है उसमें 16 से 17 किलो बीज दर आपको रखना है। बात करें दोस्तों एकड़ की, तो जहां पर 32 बसुए का एकड़ है वहां पर आपको बीज दर रखनी थी इसकी 22 से 25 किलो, और जहां पर 40 बसुआ का एकड़ है वहां पर बीज दर रखनी थी 27 से 30 किलो। ये इसकी परफेक्ट बीज दर है। बहुत सारे किसानों की जो GS 2172 सोयाबीन की बीज दर है वो काफ़ी हाई पहुंची है, काफ़ी अधिक बीज दर कर दी है, कहीं पर 25 किलो, 22 किलो, 30 किलो तक, और एक जगह तो 35 किलो तक बीघा की बीज दर पहुंची है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या दोस्तों कि ये वैरायटी हाइट लेगी, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी खासी है कि ये बीघा की 15 किलो में भी आपकी कमर के यहाँ आएगी। अब वैसी स्थिति में ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर उससे ऊपर आपकी बीज दर है तो ये
क्या होगा कि इसके जो पौधे हैं फिर इसके जो डंठल है वो पतले रह जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं ये इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आड़ी पड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि दोस्तों इन वेराइटियों में फलियां ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से फिर ये आड़ी पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आड़ी पड़ने के चांस ज़्यादा है ज़्यादा बीज दर में। अब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, बीज दर तो हो गई ज़्यादा दोस्तों, ऐसी स्थिति में आगे क्या किया जाए? तो दोस्तों अब हो गई है ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि इस वेराइटी में हमें टॉनिक नहीं देना है। ये तीन वेराइटियाँ हैं दोस्तों जो कि ज़्यादा हाइट लेती है अपनी, 1135, 2172 और NRC 150। इन तीन वेराइटियों में आपको टॉनिक नहीं देना है। अगर आपकी बीज दर ज़्यादा है तो आपको टॉनिक इसमें नहीं देना है और खड़ी फसल में यूरिया नहीं देना है, क्योंकि अगर आप खड़ी फसल में यूरिया दे देंगे, नाइट्रोजन दे देंगे, तो ये फिर से और तेज़ गति से चलेगी और उसके बाद इसकी चाल आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये दो काम तो आपको अनिवार्य रूप से करने हैं और ऐसे किसी प्रकार के खाद नहीं देने हैं जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। दोस्तों अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारी बीज दर हो गई है तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि 30 से 36 दिन की स्थिति में ही हम जो पहला स्प्रे करेंगे, पहले स्प्रे में ही हम पौधों की ग्रोथ रोकने वाले किसी PGR का उपयोग कर लें तो ये आगे इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं दोस्तों। जैसे कि ल्यूसिन जो PGR आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या और कोई PGR का आप उपयोग कर सकते हैं ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा दोस्तों आप जिन किसानों ने पिछले साल GS 2172 लगाया था उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी जा सकती है, क्या स्थिति बनेगी इतनी बीज दर में। बात करें दोस्तों जिनकी बीज दर कम रह गई है, वो खरपतवार नाशक के इस्तेमाल के बाद जब सोयाबीन में झटका लग जाता है उसके बाद जब आप स्प्रे करते हैं उस स्प्रे में पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाले किसी टॉनिक का, जैसे पोषक सुपर, क्योंकि पोषक सुपर बेस्ट है दोस्तों, उसके अलावा आप कोई सा भी दूसरा भी ले सकते हैं और उस या फिर सस्ते में जाएं अपन तो NPK 19 का आप उपयोग कर सकते हैं। वो क्या करेगा, एक तो उसकी चाल खोल देगा, उसके अलावा उसकी जो ब्रांचें हैं अच्छी खासी उसमें ब्रांचें फैल जाएगी तो वो कवर कर लेगी, क्योंकि दोस्तों इस वेराइटी के अंदर अपार क्षमता है, इसमें अच्छी खासी ब्रांचें आती है और अच्छे खासे इसके पौधे फैल सकते हैं। बीघा की 10 किलो बीज दर भी इसकी काफ़ी है, तो जिनकी बीज दर कम रह गई है वो दोबारा बिजाई के बारे में सोचे नहीं। अगर 10 किलो तक भी अगर आपकी बीज दर है तो भी ये वेराइटी कवर कर लेगी दोस्तों, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें आप टॉनिक दे देना या फिर NPK 19 दे देना। बात करें दोस्तों जिनकी बीज दर परफेक्ट है उनको क्या करना है, तो जिनकी बीज दर परफेक्ट है उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इल्ली का ध्यान रखना है, बाकी तो इसके अंदर जेनेटिक जो पावर है काफ़ी हाई है, इसका जो जड़ तंत्र है काफ़ी मजबूत है। हाँ अगर आपने खाद वाद अगर पहले बिल्कुल नहीं दिए हैं तो अगर आप बीच में अगर खाद देना चाहते हैं तो यूरिया ज़्यादा मात्रा में ना दें, उसके अलावा दूसरे खाद जैसे कि आप NPK 19 या DAP देना चाहते हैं तो अपने एक लिमिट के अनुसार खाद दे दें, क्योंकि इस वेराइटी में की जो जेनेटिक पावर है वो काफ़ी हाई है, इसका जड़ तंत्र जो है वो काफ़ी मजबूत है जिसकी वजह से काफ़ी गहराई तक से ये अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो जड़ है 1 फीट तक भी जा सकती है, 1 फीट से भी ऊपर भी जा सकती है और इसका जो पौधा है काफ़ी अच्छा फैलाव करता है, तो हमें टॉनिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, हमें भी नहीं करना है दोस्तों, जिसकी बीज दर परफेक्ट है उनको भी नहीं करना है। ये मैंने इस खेत में GS 2172 सोयाबीन लगाई है, आज ये इसका 5वां दिन है और 5वें दिन में ये देख सकते हैं आप दिखने लगी है, ये देख सकते हैं आप, और हमने काफ़ी कोशिश किया था कि पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करें, लेकिन चूंकि दोस्तों जो गियर वाली शेड्यूल होती है उससे पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन नहीं होती है, अगर टोकन पद्धति से बोया जाए तो फिर पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन हो जाती है, लेकिन ठीक है दोस्तों इसमें 15 से 16 किलो के बीच में बीज दर रही है, तो
सावधानियां हैं दोस्तों, अगर ये सावधानियां अगर हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम अच्छा खासा उत्पादन लेंगे, और अगर हम गलतियां कर देते हैं तो उसका खामियाजा हमें आखिर में जाके भुगतना पड़ता है दोस्तों, जबकि सोयाबीन आड़ी पड़ जाती है, सो जाती है। तो ये तीन वेराइटियों में आप थोड़े सचेत होकर काम कीजिए दोस्तों। RVSM 1135, GS 2172 और NRC 150, इन तीन वेराइटियों में आप थोड़े सोच समझ के काम कीजिए। बीज दर अगर आपकी परफेक्ट हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टॉनिक वॉनिक का उपयोग आप इनमें कम से कम कीजिए। एक तो आपका पैसा भी बचेगा दोस्तों, सिर्फ आप इल्ली का ध्यान रखिए इसमें दो, क्योंकि 30 दिन के आसपास की स्थिति में, 30 दिन के बाद शुरुआत में थोड़ी बहुत रिंग कटर की समस्या आएगी, फिर उसके बाद इल्ली की समस्या आएगी, तो आपको 3 से 4 स्प्रे करने होंगे। तो वो इल्ली का ध्यान रखिए, आप बस इल्ली फसल को ना खा जाए, बाकी तो आपका उत्पादन अच्छा खासा आ जाएगा दोस्तों। लोगों ने काफ़ी भ्रम फैलाया था इस वैरायटी के विरुद्ध दोस्तों, ठीक है, फिर भी ये किसानों के बीच में अच्छी खासी पॉपुलर हो रही है, और हो सकता है, संभव है कि ये वैरायटी आगे किसानों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाली है दोस्तों। उसका कारण है इसका उत्पादन और रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक इसकी क्षमता, कम पानी गिरो ज़्यादा पानी गिरो दोनों स्थितियाँ, तो यह काफ़ी लंबे समय तक ही है, मध्यम अवधि में यह वैरायटी काफ़ी लंबा समय तक टिकने वाली है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास ये जानकारियाँ पहुँचें, और हमारे जो किसान भाइयों ने GS 2172 सोयाबीन लगाया है वो गलतियाँ करने से बच जाएँ और अच्छा खासा वो उत्पादन ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से इस किसान का थोड़ा सा भला हो जाए। नमस्कार दोस्तों।